यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब तमोलिक गेमर्स फैमिली। आज का एपिसोड यहाँ पे स्टार्ट होता है ओमोस की एंट्रेंस के साथ। बिना स्किप किए पूरा वीडियो एंजॉय करना है हिंदी कमेंट्री के साथ मौलिक गेमर्स की। इज अ ट्रिपल थ्रेट मैच मेकिंग हिज वे टू द रिंग रिप्रेजेंटिंग द एम्पायर ऑफ पेन फ्रॉम लागोस नाइजीरिया वेइंग इन एट 400 पाउंड्स ओमोस। भाई साहब क्या साइज है, क्या हाइट है, करीबन 7 फीट से भी ज्यादा लंबे चौड़े 180 किलो के लागोस नाइजीरिया से आ चुके हैं हमारे बीच द जायंट ओमोस। और ओमोस की बात की जाए तो वो बास्केटबॉल के फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं और WWE में रॉ टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। तो देखना ये है कि आज उन्हें चैलेंज करने कौन आता है। और आज कुछ बहुत ही भयंकर मूड में दिख रहे हैं ओमोस। लग रहा है कि आज जो भी आएगा उसे बहुत पिटने वाले हैं। As your friend Pat so eloquently puts it, Cole, the alpha male of our species has arrived. Oh my God, the cowboy is here, the beast conqueror Brock Lesnar यहाँ पर आ चुके हैं। ये इंसान नहीं, ये जानवर है, जानवर। एक भूखा शेर एक इंसान की रूप में आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। And his opponents, first from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 295 pounds. तो गाइस जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो पल हमारे बीच आ चुका है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स के सबसे जाने पहचाने, सबसे प्रसिद्ध द बीस्ट कॉन्करर ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आ चुके हैं, जो ये नया लुक लेके आए हैं मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए ब्रॉक लेसनर मुझे तो और भी डरावने लगते हैं। सब लोग मानते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक खतरनाक सुपरस्टार है जो किसी को भी धूल चटा सकता है, और अभी इंसानी प्रजाति को एक अलग लेवल पे ले जाने वाला, अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाने वाला ये आदमी जो खुद को चैलेंज करता आ रहा है वो अपने पूरे करियर में। यह भले ही वो WWE हो चाहे UFC हो, हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं। पहले तो सिर्फ सीरियस थे, उनको मालूम था वो आकर सबको पीटने वाले हैं, पर अभी तो मुस्कुराते हुए हंसी मजाक करते हुए लोगों को मारते हैं, और भी डरावने हैं। And representing the villagers from India, weighing in at 302 pounds, तो सभी का दिल जीतने आ चुके हैं इंडिया की शान वीर महान, जिन्होंने अभी हाल ही में कई सुपरस्टारों को मात दी है और आते ही अपना पर्चा दे दिया है पूरे WWE यूनिवर्स को। तो ऐसे सुपरस्टार फिर से एक बार रिंग में आ चुके हैं और आज उनका मुकाबला होने वाला है ब्रॉक लेसनर जैसे खतरनाक खिलाड़ी और जायंट ओमोस जैसे सुपरस्टार के साथ। तो आज का मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ग्रेट खली के बाद अगर इंडिया का नाम किसी ने रोशन किया है तो वो है वीर महान, के चर्चे आज पूरे विश्व में चल रहे हैं। तो आज की शानदार मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आते ही ब्रॉक लेसनर ने ओमोस को पछाड़ दिया और यहाँ पर ओ माय गॉड वीर महान को उठा लिया है और यहाँ पर लौड़ कर यहाँ पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ले आए और फिर से एक बार उठा कर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पछाड़ दिया है वीर महान को ब्रॉक लेसनर ने। और यहाँ पर बहुत ही चालाकी से ओमोस ने पीछे से स्लैम दे दिया है ब्रॉक लेसनर को, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर वीर महान को डबल हैंड चॉक स्लैम जड़ दिया, यहाँ पर अपना पहला फिनिशर मूव ओमोस ने लगा दिया। क्या यहाँ पर मैच खत्म होगा? जी नहीं, यहाँ पर एलिमिनेट होते होते बचे वीर महान और यहाँ पर पीछे से जकड़ लिया और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पंच देते हुए और चढ़ बैठे ब्रॉक लेसनर ओमोस के ऊपर। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस बाय ब्रॉक लेसनर, अपना बदला जो लेना था वो ले लिया। ओके 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 ओके, और पीछे से बहुत ही बढ़िया
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सुप्लेक्स जड़ दिया। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, वीर महान यहाँ पर अपने मिलियन डॉलर राम मारने की साजिश में थे पर वो नाकाम रहे। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्लोज लाइन ब्रॉक लेसनर ने दे दिया है वीर महान को। ओ माय गॉड। और यहाँ पर बीस्ट दोनों सुपरस्टार के ऊपर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और ओमोस यहाँ पर नीचे जा चुके हैं फिर से रिंग में आने की साजिश और आ चुके हैं। और यहाँ पर F5 लगा दिया है वीर महान को, अपना पहला F5। क्या यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे वीर महान? जी देखते जी नहीं, यहाँ पर दो काउंट में किक आउट कर दिया। और यहाँ पर ओमोस रेडी है और ओमोस ने यहाँ पर उठा लिया था कि यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, रिवर्सल दे दिया ब्रॉक लेसनर ने। यहाँ पर फिर से एक बार F5 की साजिश में थे पर जी नहीं, यहाँ पर सुप्लेक्स लगा दिया है ओमोस को। और यहाँ पर अपने कदमों में खड़े होते दिख रहे पर जी नहीं, यहाँ पर अभी तो खड़े ही हुए थे कि यहाँ पर फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया सुप्लेक्स के साथ नीचे फेंक दिया। और ओमोस ने यहाँ पर फिर से एक बार अपना फिनिशर मूव ब्रॉक लेसनर को लगा दिया और एक ही काउंट में किक आउट कर दिया ब्रॉक लेसनर ने। और यहाँ पर खड़े भी हो चुके, मुझे तो लग रहा है, मुझे तो ये प्रतीत हो रहा है कि उनके चॉक स्लैम का कोई असर नहीं हुआ ब्रॉक लेसनर को। और यहाँ पर F5 भी लगा दिया है ओमोस को। ओ माय गॉड, क्या स्ट्रेंथ है बीस्ट की। ओके ओके ओके, क्या यहाँ पर मैच का अंत होगा यहाँ पर ओमोस का? जी नहीं, यहाँ पर दो काउंट में किक आउट कर दिया। और यहाँ पर पीछे से पकड़ लिया है वीर महान को और सुप्लेक्स भी जड़ दिया है। और यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए ब्रॉक लेसनर दहाड़ते हुए और फिर से एक बार अपने पंच के साथ यहाँ पर खून निकाल दिया है, एक ही पंच में यहाँ पर खून से लथपथ कर दिया है वीर महान को। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा हेडबट देते हुए ओमोस और यहाँ पर पछाड़े जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर को। और यहाँ पर वापसी करते दिख रहे हैं ब्रॉक लेसनर पर, यहाँ पर फिर से एक बार उठाकर पटक दिया और अपना जॉइंट मोड ऑन कर लिया है ओमोस ने। और यहाँ पर जैसा ही मैंने तारीफ करी कि ब्रॉक लेसनर ने अपना बीस्ट मोड ऑन कर कर यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार को पछाड़ दिया है, ओमोस को रिंग के बाहर फेंक दिया। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सुप्लेक्स देते हुए ब्रॉक लेसनर वीर महान को। ओ माई गॉड, ये बीस्ट मोड बहुत ही खतरनाक है। और बीस्ट मोड की तारीफ करने के साथ यहाँ पर वीर महान ने रिवर्सल दे दिया ब्रॉक लेसनर को। और यहाँ पर अपने मिलियन डॉलर राम यहाँ पर लगाने ही वाले थे कि यहाँ पर बहुत ही प्यारा काउंटर अटैक कर दिया और बहुत ही खतरनाक वाला पावर बॉम्ब उठाकर फेंक दिया है वीर महान को रिंग के पास। ओ माय गॉड, क्या स्ट्रेंथ है ब्रॉक लेसनर की, ऐसे ही बीस्ट थोड़ी ना बोलते हैं ब्रॉक लेसनर को। और यहाँ पर F5 भी लगा दिया है ओमोस को, यहाँ पर ओमोस की मैच खत्म हो सकती है, क्या लग रहा है? एक दो और नहीं जी नहीं, थ्री काउंट होना ही वाला था कि यहाँ पर किक आउट कर दिया है एट द मोमेंट। और यहाँ पर पीछे से धक्का दे दिया है वीर महान को, रिंग के बाहर फेंक दिया है ब्रॉक लेसनर ने। और यहाँ पर अभी देखते हैं ब्रॉक लेसनर का हमें फिर से एक बार F5 देखने को मिलेगा। जी नहीं, F5 नहीं पर यहाँ पर सुप्लेक्स तो देखने को मिल ही गया है। और यहाँ पर काउंट की साजिश दो, जी नहीं, एक ही काउंट में किक आउट कर दिया ओमोस ने। ओ माई गॉड, सभी सुपरस्टार, तीनों ही तीन सुपरस्टार यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हार मानने का नाम नहीं ले रहे। और यहाँ पर बहुत ही शानदार ब्लॉकिंग के साथ वापसी करी ब्रॉक लेसनर ने और यहाँ पर पछाड़ दिया है क्लोज लाइन के साथ ओमोस को। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपना किक देते हुए वीर महान को। ओके, दोनों ही प्लेयर पर भारी पड़ते दिख रहे हैं बीस्ट। और यहाँ पर फ्यूचर शॉक देने की साजिश में पर जी नहीं, ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्लॉकिंग कर दिया है और यहाँ पर अपने आप को रिलोड कर दिया। रिलोड तो किया पर यहाँ पर पीछे से ओमोस ने आकर उनकी साजिश और उनकी एटीट्यूड को बम कर दिया और यहाँ पर पछाड़ दिया है ऑन द टॉप बकल। और यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है, कॉर्नर में ढकेल दिया है वीर महान को पर जी नहीं, वीर महान ने यहाँ पर ब्लॉकिंग किया। अभी देखते हैं कि कौन किस बाजी, कौन किसकी बाजी यहाँ पर मार के जाता है। और यहाँ पर वीर महान ने ढकेल दिया है नीचे और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही प्यारा यहाँ पर जर्मन सुप्लेक्स चढ़ दिया है वीर महान को। अगर ये मैच को जीतना है तो और मेहनत मशक्कर करना पड़ेगा, ये मैच के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फिनिशर मूव दिखाने पड़ेंगे तब जाकर आप ये मैच को जीत पाओगे, एलिमिनेशन मैच है ये। और यहाँ पर मुझे लग रहा है वीर महान घर पे जाएंगे और जी हाँ, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने वीर महान का काम तमाम कर दिया और यहाँ पर ओमोस भी रिंग के अंदर आ चुके हैं। अभी देखते हैं बीस्ट ने यहाँ पर ओमोस को भी पकड़ लिया और बहुत ही बढ़िया अपना स्लैम देते हुए ब्रॉक लेसनर।
ओके 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 और यहाँ पर फिर से एक बार जर्मन सुप्लेक्स। ओ माय गॉड बीस्ट मोडोन हो चुका है अपने सुप्लेक्स के साथ यहाँ पर ओमोस को पछाड़े जा रहे हैं फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया पर सुप्लेक्स देते हुए ओमोस की कमर तोड़ दी है और यहाँ पर ओमोस ने वापसी करते दिख रहे पर जी नहीं यहाँ पर फिर से एक बार काउंटर अटैक और यहाँ पर अपने क्लोज लाइन के साथ यहाँ पर रिंग के पार फेंक दिया है ओमोस को ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही बढ़िया। ओ माय गॉड क्या एटीट्यूड है यार ये इंसान नहीं ये जानवर है। और यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर रिंग के अंदर जाने की साजिश में ब्रॉक लेसनर पर जी ने यहाँ पर वापसी कर चुके हैं और यहाँ पर ओमोस ने वापसी कर ली और अब देखते हैं कि बीस्ट का क्या हाल करते हैं ओमोस और यहाँ पर स्टील स्टेप के ऊपर पछाड़ दिया है ब्रॉक लेसनर को। ओके 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 फिर से एक बार यहाँ पर फेंके जा रहे है ओ माय गॉड और यहाँ पर वापसी करते दिख रहे हैं ब्रॉक लेसनर और यहाँ पर उनको भी स्टील स्टेप के अंदर यहाँ पर पछाड़ दिया है यहाँ पर बदला लिया है ब्रॉक लेसनर ने। और गाइस जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये दोनों सुपरस्टार में से कौन ये बाजी मैच ये जीत कर जाएगा। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसी बात पर लाइक ठोक दो। यहाँ पर रिलोड कर चुके हैं अपना F5 पर जी नहीं यहाँ पर वापसी कर लिए काउंटर अटैक कर दिया है नहीं तो यहाँ पर ओमोस को भी गर्व जाना होता पर जी नहीं यहाँ पर फिर से एक बार ब्रॉक लेसनर ने वापसी करते दिख रहे काउंटर अटैक कर दिया है। अभी देखते हैं कि क्या फिर से एक बार कनेक्ट कर पाएगा अपना F5 और जी नहीं फिर से एक बार यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार अपने एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते दिख रहे हैं और यहाँ पर जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया है ब्रॉक लेसनर ने ओमोस को। यहाँ पर पूरा मैच को कंट्रोल में कर लिया है लग रहा है पर जी नहीं यहाँ पर ओमोस भी पीछे हटने वालों में से नहीं है और यहाँ पर भी गुड दे दिया है अपना ओ माय गॉड सिग्नेचर मूव के साथ यहाँ पर पिन की साजिश यहाँ पर क्या बीस्ट हार मान लगे जी नहीं तो काउंट में किक आउट कर दिया बीस्ट ने और यहाँ पर फिनिशर मूव रिलोड कर दिया है अपना डबल हैंड चॉक स्लैम देखने को मिलेगा जी नहीं यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया और यहाँ पर उठा लिया है ओमोस को। क्या यहाँ पर F5 कनेक्ट कर पाएगा जी यहाँ कनेक्ट कर लिया है क्या यहाँ पर जीत पाएगा ये मैच को क्या ओमोस यहाँ पर किक आउट कर पाएगा जी नहीं यहाँ पर बीस्ट कॉन्करर ब्रॉक लेसनर जीत चुके हैं और यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार को मात दे दी है ओमोस एंड वीर महान को। ओ माय गॉड क्या परफॉर्मेंस दिखा है ब्रॉक लेसनर ने और इसी बात पर लाइक ठोक दो गाइस और जो भी नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो वैसे ढेर सारे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय।